हे गाइस, दिस इज आशीष फ्रॉम एस्थेनिक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो एक बैक लीवर ट्यूटोरियल होने वाला है, सो विदाउट फर्दर ड्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर फॉर्म क्या है और इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो यहाँ मैं स्मिथ मशीन का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी बार देख सकते हैं हैंग करने के लिए। सबसे पहले आपको शोल्डर बिट का पार्ट ग्रिप रखनी है अपनी, फिर आपको हैंग करना है, फिर आपको अपने स्कैपुला को एंगेज करना है, फिर आपको अपने नीज को बेंड करना है, फिर आपको करना है स्किन द कैट। और जैसे ही आप तक बैक लीवर की फॉर्म में आएंगे, फिर आपको अपने लेग्स को धीरे धीरे स्ट्रेट करना है। तो ये थी एक बैक लीवर की प्रॉपर फॉर्म। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बैक लीवर एक इंटरमीडिएट लेवल स्किल है, इट्स नॉट अ बिगिनर स्किल। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए टू अटेम्प्ट बैक लीवर, वरना आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको स्किन द कैट आना चाहिए। और जिन लोगों को नहीं पता स्किन द कैट कैसा होता है, तो कुछ ऐसा दिखता है स्किन द कैट। अगर हम प्रोग्रेशंस की बात करें तो YouTube पे काफ़ी वीडियोस है जहां आपको प्रोग्रेशंस के बारे में पता लग जाएगा। और वैसे भी बहुत कॉमन प्रोग्रेशंस है, जैसे कि टक बैक लीवर, एडवांस टक बैक लीवर, स्ट्रैडल बैक लीवर और रेगुलर बैक लीवर। यहां मैं उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, बट मैं करके दिखा देता हूं कैसे कैसे होता है। तो टक बैक लीवर कुछ ऐसा दिखता है। एडवांस टक बैक लीवर में आपको बस अपने लेग्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ खोलना है। पहले टक बैक लीवर में जाना है उसके लिए, फिर आपको अपने लेग्स को थोड़ा सा खोलना है बाहर की तरफ। तो एडवांस टक बैक लीवर के बाद आता है स्ट्रैडल बैक लीवर, जो कुछ ऐसा दिखता है। और एंड में आता है हमारा एक्चुअल बैक लीवर। तो मैं नेगेटिव से जाना पसंद करता हूँ। तो ये सब थी प्रोग्रेशंस, बट एक चीज़ आपको ध्यान देने की, ये प्रोग्रेशंस जो है वो स्टैटिक मूव्स हैं। तो सिर्फ इन्हें अटेम्प्ट करने से आपकी स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड होगी बैक लीवर के लिए, आपको कुछ और एक्सरसाइजेस करने पड़ेगी। और सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सी मसल्स एंगेज होते हैं जब हम बैक लीवर करते हैं। तो बैक लीवर में एक तो हमारे पूरी पोस्टीरियर चेन एंगेज होती है, दूसरा हमारे एंटीरियर डेल्टॉइड्स और तीसरा हमारे पेक्टोरियल मसल्स। तो आपको इन पर काम करना पड़ेगा अगर आपको अपना बैक लीवर स्ट्रॉन्ग करना है। तो वैसे मैं दो एक्सरसाइजेस बताऊंगा, बाकी आपको ओवरऑल बॉडी को आपको ट्रेन करना है। तो बैक लीवर के लिए जो मैं दो एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, उसमें से सबसे पहली जो है बैक लीवर नेगेटिव्स। तो बैक लीवर नेगेटिव्स कुछ ऐसे दिखते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप स्लो जाएं इसमें। तो दूसरी एक्सरसाइज हमारी डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट इसलिए बिकॉज डेडलिफ्ट से हमारी लोअर बैक की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और वैसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज है लोअर बैक के लिए, बट मुझे लगता है कि डेडलिफ्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और इसमें आप वेट इजीली बढ़ा सकते हैं। तो बट मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपर फॉर्म के साथ करें डेडलिफ्ट। तो ये थी बैक लीवर से रिलेटेड कुछ नॉलेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।